वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिस सीरीज का नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2। तो यार गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2। पिछले वीडियो में यार आपको याद तो होगा यार, हमने यार टूर्नामेंट अपना स्टार्ट किया था और बेसिकली हम लोग टोटल 4 गेम जीत चुके हैं और इसमें बहुत सारे मैचेस होते। तो हम यार अभी अब पांचवा मैच स्टार्ट कर आज के मैच में पांचवा और छठवा मैच खेलेंगे और देखते हैं क्या हम उस मैच में जीत पाते या कि नहीं। तो चलो यार गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने मैच की ओर और फटाक से यार हम अपना मैच स्टार्ट करते हैं। और राइट गाइस, यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है जो कि यूएई के साथ। और यहाँ पे टॉस देखते कौन जीता है टॉस। ओके, ओ भाई यार, ओ पी यार, टॉस जीत चुकी है यूएई। और हाँ, उन्होंने बॉलिंग नहीं है, मतलब मेरे को बैटिंग करनी होगी। थोड़ा सा मैं नाराज हूँ क्योंकि अब मेरे को बॉलिंग करनी थी, क्योंकि मैं पहले बॉलिंग करता तो मेरे को सेफ फील होता है, मेरे को बाद में टेंशन नहीं रहता कि कितना रन बनाना पड़ेगा कितना नहीं। और यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, जल्दी से काउंटडाउन भी खत्म होने वाला है। और राइट, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फर्स्ट बॉल इनिंग का। और ये पहली, ओ भाई शिट यार, पहली बॉल पे मैं बोल्ड हो चुका है यार। खैर कोई नहीं, पहले बॉल पे उतना मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यार मेरे को रन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भी बनाना होगा क्योंकि यार ओके ओ पी यार, सेकेंड बॉल पे सिक्स लग गया। विराट कोहली ने यार आते ही सिक्स लगा दिया, ओ पी यार। पहले बॉल पे विकेट गिरने के बाद अच्छा कमबैक मेरा। यहाँ पे एक बॉल मतलब दो बॉल 6 रन हो चुके। और यहाँ पे अगला बॉल और देखते, ओ भाई साहब एक और सिक्स भाई यार, ओपी। क्या इस ओवर में मैं 5 सिक्स लगा पाऊंगा यार, देखते। और यहाँ पे ये तीसरा मतलब चौथा बॉल फेंकते हुए अपना बॉलर। और ये ओ भाई फिर से एक और बॉल हो चुका भाई। अरे मेरे को यार फटाक से यार रन बनाना पड़ेगा, नहीं तो यार यूएई बहुत जल्दी चेस कर सकती है। और यहाँ पे केएल राहुल आते हुए स्ट्राइक पे। तो चलो यार, ओ पी भाई साहब एक और सिक्स यहाँ पे लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये आखिरी बॉल पहले ओवर का भाई, इसमें भी अगर सिक्स लग जाए तो अच्छा है भाई भाई ओके। और भाई नहीं नहीं नहीं, विकेट नहीं, ओ भाई 4 लग गया जैसे कि आप देख सकते हो। और यार पहले ओवर में मेरे हिसाब से अभी काफ़ी कम रन हुए भाई, अगर यही रन 22 रन हुए भाई, अगर इस ओवर में भी 22 रन हो जाए तो ठीक रहेगा, उतना भी कम नहीं हुए। लेकिन यार दूसरे ओवर में हमेशा कम रन बनते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। ओके पहला बॉल, और भाई ओह मेरे को लगा कैच हो जाएगा, लेकिन यार पहले बॉल पर 4 हो चुका है तो दिक्कत की जाती कोई बात नहीं है। और अब 5 गेंद और बाकी, मैं कम से कम यार 5 बॉल में 20 रन तो बनाने की कोशिश करूंगा, अब देखते बनता है कि नहीं। और ये यहाँ पे एक और चौका लग जाएगा, जी हाँ गाइस एक और चौका यहाँ पे लग चुका है। तो चलो यार मैं फटाक से थोड़ा पारी को तो है वो स्किप कर देता हूँ और देखते हैं कि इंडिया कितने का टारगेट देती है यूएई को। गेंदबाज ने बल्लेबाज गेंद फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फेंका, हुआ हवाई फायर, लगा दिल को मोहले, हो रही है बाउंड्रीज की बरसात, हवाई फायर किया, एक टप्पा और चौक इस पे। और राइट गाइस, ये अब आखिरी बॉल है इनिंग का और देखते हैं इस पे क्या होता है भाई साहब। फील्डिंग तो एकदम खतरनाक लगा लेके, ओ पी आर लास्ट बॉल पे सिक्स लग चुका है, 46 रन हमारे हो चुके जैसे कि आप देख सकते हो। और 47 का टारगेट है यूएई के लिए और ये अच्छा खासा टारगेट है, ज़्यादा कम नहीं है। और भी ज़्यादा बन सकते थे लेकिन यार काफ़ी अच्छा टारगेट है और इसको हम लोग डिफेंड कर सकते मेरे हिसाब से। तो फटाक से मैं जसप्रीत बुमराह को बुला लेता हूँ और फटाक से थोड़ा फील्डिंग में मैं चेंजेस कर देता हूँ। और राइट गाइस, यहाँ पे मैंने फील्डिंग चेंज कर दी है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये पारी की पहली बॉल जसप्रीत बुमराह कराने जा रहे हैं। और भाई ये पहली बॉल ओके बाउंसर फेंका और ये फोर नहीं भाई, हाँ एक रन ही बस। ओके यार पहले बॉल पे एक रन है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन यार अभी भी मैच का कुछ कह नहीं सकते, कोई भी मैच ये जीत सकता है, यूएई भी जीत सकती है। तो मैं यहाँ पे एक और बाउंसर का ट्राई और ओ भाई शिट सिक्स लगा दिया यार उसने भाई। यार अब मेरे को काफ़ी आराम से खेलना पड़ेगा, नहीं तो यार ये यूएई जीत सकती है। तो फटाक से यार मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ और देखते यूएई पहले ओवर में कितना रन बनाती है। हवाई फायर किया, एक टप्पा और चौका, इस जोड़ी के बीच अच्छा तालमेल, लाजवाब रनिंग, अंपायर को मालूम लेकिन ये डिलीवरी तो बल्लेबाज का सिर ही उड़ा देती, फील्डर केवल दर्शक बन के रह गए,
गेंद 6 रन के लिए। राइट गाइज, अब ये ओवर की आखिरी बॉल बाकी है जैसे कि आप देख सकते हो, और भाई साहब 15 रन हो चुके अब तक तो। और ये लास्ट बॉल पे देखते क्या होता है। ओपीआर ये डॉट बॉल हो गया, ओ भाई मजा आ गया। अब 6 बॉल पे यार यूएई को जीतने के लिए 32 रन चाहिए, मतलब 32 रन चाहिए। और आखिरी ओवर करेंगे भुवनेश्वर कुमार। भाई साहब बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है ये, क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं यार गाइस कमेंट करता हूँ। और भाई पहला बॉल यहाँ पे दूसरे ओवर का, और देखते इस पे क्या होता है। ओके बढ़िया, एकदम बाउंसर डाला मैंने और पहला बॉल तो डॉट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। और दूसरे बॉल पे देखते क्या होता है। ओके मैं थोड़ा सा वाइड यॉर्कर की लेंथ में डालता हूँ, लेकिन यार बच के थोड़ा ओपी उड़ाया नहीं। ओ नहीं नहीं, फोर नहीं जा, ओके बच गया, मेरे को लगा यार फोर जाएगा। और दूसरे रन के लिए भागे, ये रन आउट हो सकता है, रन आउट। अरे यार कितना स्लो होता है भाई, नहीं तो यार अभी तक रन आउट भी हो जाते हैं, रन आउट भी हो चुका होता है, लेकिन यार छोड़ो। तो गाइस यार मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ और देखते क्या ये मैच जीत पाती है या नहीं। और गेंद गई रॉकेट की तरह 6 रन के लिए। और राइट गाइज, ये ओवर की आखिरी बॉल है जिसकी आप देख सकते हो, और हम लोग ये मैच जीत चुके, बस आखिरी बॉल डालना बाकी। और ओपी यार ये मैच हम जीत चुके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। और भाई साहब क्या ही ओपी और मस्त एनिमेशन यार इस गेम का, मज़ा ही आ गया। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मैन ऑफ द मैच कौन लेके जाता है। और राइट गाइज, यहाँ पे मैन ऑफ द मैच लेके गए शुभमन गिल, जिन्हें 6 बॉल पे 24 रन बनाए थे, और मैन ऑफ द मैच के अच्छे ट्रबल दावेदार। और बढ़ते यार हम लोग अपना अगले मैच की ओर, मतलब यार इस सीरीज के 6वें मैच की ओर। और राइट गाइस, यहाँ पे लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, मतलब अगला मैच स्टार्ट होने वाला है जिसे आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे यार ये यहाँ पे टॉस का समय मैं फटाक से हेड ले लेता हूँ और देखता हूँ यार ये टॉस कौन जीतता है। और राइट गाइस, मैं टॉस जीत चुका हूँ, मैं फटाक से बॉलिंग ले लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को बॉलिंग हमेशा से सेफ लगती है और इसलिए मैं बॉलिंग लेता हूँ। तो फटाक से यार इनकी बैटिंग करने के बाद हम बैटिंग करते हैं और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे काउंटडाउन भी खत्म हो गया जिसके आप देख सकते हो, भाई साहब जल्दी हो जाए यार। और यहाँ पे मैंने बुमराह को बुला लिया, मैं फटाक से यार थोड़ी फील्डिंग में चेंजेस कर देता हूँ। और राइट गाइस, यहाँ पे मैंने फील्डिंग में चेंजेस कर दिया, फटाक से बॉलिंग करना स्टार्ट करते। और यहाँ पे ये इनिंग का पहली बॉल मैं थोड़ा वाइड यॉर्कर के लेंथ में डालता हूँ, और ओके यहाँ पे बस सिंगल आया, अच्छा हुआ ज़्यादा रन नहीं आया, नहीं तो इस पे 6 भी आ सकता। ओ भाई भाई साहब, विकेट कीपर एकदम धोनी जैसे एकदम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अफसोस रन आउट नहीं हुआ। और यहाँ पे दूसरा बॉल फेंकने जा रहा है जसप्रीत बुमराह, और देखते इस बॉल पे क्या होता है। ओके ये बॉल, ओ शिट नहीं नहीं नहीं, ओ भाई बचा लिया, मेरे को लगा ये 22 का चौका हो जाएगा और वाइड है, लेकिन वाइड पे एक रन भी मिल गया, लेकिन यार चलो खैर छोड़ो। और अब यहाँ पे तीसरी गेंद, देखते इस बॉल पे क्या होने वाला है, मतलब दूसरी बॉल, और इस पे जो है बस ओके डॉट बॉल, मेरे को लगा सिंगल आ जाएगा। तो यार फटाक से गाइस मैं ये पहला ओवर थोड़ा सा स्किप करता हूँ और देखता हूँ कितना रन पहले ओवर में आयरलैंड बना पाती है। गेंदबाज का ढीला प्रयास, वाइड गेंद होगी, अविश्वसनीय फील्डिंग, गेंदबाज की फुटबॉल गेंद। और राइट गाइस, अब ये ओवर के आखिरी बॉल बाकी जैसे कि आप देख सकते हो, और देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या होने वाला है। और यहाँ पे ओपी डॉट बॉल हुआ, और पहला ओवर में सिर्फ 8 रन बने यार, मेरे को लगा कम से कम कुछ नहीं हुआ तो 15 रन तो बने जाएंगे, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ 8 रन बने, काफ़ी। और जबकि यार आधे से ज़्यादा रन तो एक्स्ट्रास के है, वाइड और 22 के ही सारे रन से, और इन्हें मतलब देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आया, बाकी कुछ नहीं। और यार लेकिन यार बॉल भी नहीं माना गया, बस 2 रन आ चुके पहले बॉल पे ही, मतलब पहला बॉल भी नहीं था और 2 रन आ चुके। और तो चले यार गाइस जल्दी से देखते आयरलैंड दूसरे ओवर में कितना बनाती है और हमको कितने का टारगेट देती है। क्या फील्डिंग की है, जबरदस्त खेल दिया सीधा फील्डर के ऊपर से, टप्पा खाया और खेल दिया सीधा फील्डर के ऊपर से। One.
यस बेल जोड़ी हवा में लेकिन अंपायर की उंगली नहीं। और राइट ये अब ओवर का आखिरी गेंद देखते और अब तक सिर्फ 15 रन ही हुए और आखिरी बॉल पे भी यार इंग्लैंड डिफेंस कर रहे भाई क्या बोले यार ये दो ओवर के मैच में इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 15 रन बनाए भाई साहब। तो फटाक से यार अभी हम अपने ओपनर्स को बनाते और मैंने गलत ओपनर्स चूज कर दिए। 15 रन का टारगेट हम पहले ओवर पे ही चेस करते, चार बॉल पे देखते मैं टारगेट रखता हूँ चार बॉल पे चेस करने का और देखता हूँ चार बॉल पे मैं 15 रन चेस कर पाता हूँ या नहीं। और यहाँ पे पहली बॉल और यहाँ पे बॉल साहब ये परफेक्ट है यार, पहले बॉल पे ही मैं बोल्ड हो गया भाई। हारना नहीं है भाई, क्या पता ये लोग आउट करके मैच जीत जाए जो कि मैं चाहता नहीं हूँ वैसा हो। और अभी भी चांसेस तो है, चार बॉल के अंदर मैच हो सकता है। ओ भाई परफेक्ट है यार, ओ बच गया नहीं तो फोर हो गया, नहीं तो यार ये डॉट बॉल भी हो सकता था। लेकिन यार इनकी बॉलिंग एकदम खतरनाक है यार, मैं शॉट लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, परफेक्ट पे भी बैट स्विंग हो रहा है लेकिन यार आगे नहीं पीछे आगे। ओ भाई ओके शिट यार, यहाँ पे विकेट गिर चुका है यार भाई, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को लगा इनकी बैटिंग बेकार है तो ये मैच हम आराम से जीत जाएंगे, लेकिन यार बॉलिंग इनका सही में यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कि ये मैच में हार ना जाओ, अगर ये मैच में हार गए ना बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा यार, क्योंकि 15 रन का सिर्फ मैच। ओके ओके यहाँ पे फोर लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो और हम टारगेट के और करीब आ चुके, लेकिन यार मैं चार बॉल में जीतने का चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया। अब यार क्या मैं 6 बॉल के अंदर अंदर भी मैच जीत पाऊंगा या नहीं, वो भाई कैच नहीं, शिट कैच आउट हो गया। मैं उधर काय को मारना यार, ऑफ साइड पे पूरा जगह थी लेकिन फिर भी मैंने उधर मारा, खैर जान दो। अब अगला MS धोनी आए, क्या ये मैच विनिंग शॉट दिखा पाएंगे या नहीं, ये ओवर में तो हम नहीं जीत पाएंगे, अगला ओवर तक गेम जाएगा। और भाई बच गया, मेरे को लगा मैं कैच आउट हो जाऊँगा लेकिन यार सुमन गिल ने एक और चौका मार के मैच को बहुत ही ज़्यादा पास ला दिया। अब आखिरी ओवर में हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने रन, ओके सिर्फ और सिर्फ 4 रन चाहिए तो मैं पहली बॉल पे ही बना दूंगा। ओके ये पहला बॉल दूसरे ओवर का और ये हम लोग ये मैच, ओ भाई मेरे को लगा रोक लिया इसने, लेकिन यार हम लोग ये मैच जीत चुके जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई यार हमने अपने ये टूर्नामेंट का जो छठा मैच है वो भी जीत लिया, अब सिर्फ और सिर्फ 11 मैच बाकी है ये, और ये मैं टूर्नामेंट जीत जाऊंगा और मैन ऑफ द मैच देखते किस प्लेयर को मिलता है। और राइट यहाँ पे मैन ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार को मिला क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो क्लिक नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।